हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स प्लस 1, इस पार्ट को ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये पॉलीनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है आपको एक्स प्लस 1 से, और डिवाइड करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिवाइड करके करिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो हम देखिए रिमाइंडर, देखिए आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के हमारे पास में कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है। रिमाइंडर फाइंड करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। फर्स्ट तरीका है हमारा डिवीज़न, क्या है, लॉन्ग डिवीज़न, डिवीज़न करना है। सेकेंड तरीका है हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको दोनों मेथड बताऊँगा, डिवीज़न भी और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है, इजी है, और एक बहुत शॉर्ट है, ठीक है, जबकि डिवीज़न जो है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन सीखना आपको दोनों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा कि आप रिमाइंडर फाइंड करिए इस पॉलीनोमियल का, ठीक है, ये पॉलीनोमियल आपको दिया गिवन है और इसका आप रिमाइंडर फाइंड करिए जब अगर इसे एक्स प्लस वन से डिवाइड किया जाता है, और आपको कहते हैं कि बाय डिवीज़न आपको लॉन्ग डिवीज़न से आपको इसका फाइंड करना है रिमाइंडर, तो आप कैसे करोगे, तो वहाँ पर आपको डिवीज़न का यूज़ करना पड़ेगा ना। वैसे सिंपल मैं आपको इजी मेथड भी करवा दूँ रिमाइंडर थ्योरम ओनली, डिवीज़न मेथड नहीं कराऊंगा, लेकिन डिवीज़न मेथड कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड से आप करो इसको सॉल्व, तो आपको डिवीज़न आना चाहिए, क्लियर है बात। तो डिवीज़न मेथड भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस वन को एक तो बाय यूजिंग हम डिवीज़न मेथड से और बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला मेथड लेते हैं हम, यहाँ पर कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम इसका क्या निकालेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्लियर है बात। कैसे निकालते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, एक तरह से पॉलीनोमियल आपको गिवन है, तो हम इस पॉलीनोमियल को क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये जो पॉलीनोमियल है इसका नाम रख देते हैं एक पी ऑफ एक्स, ठीक है। सबके नाम होते हैं ना चिंटू पिंटू, ऐसे ही ये जो गिवन पॉलीनोमियल है इसका भी एक नाम रख देते हैं हम, ये पॉलीनोमियल एक्स वेरिएबल का है तो हमने लिख लिया लेट पी ऑफ एक्स, क्लियर है बात, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब कुल मिलाकर इस पॉलीनोमियल को हमने लेट कर लिया, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था हमारे को x प्लस 1 दिया हुआ था, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 1 क्या होगा हमारा, x प्लस 1 क्या है, डिवाइडेड बाय मतलब g ऑफ x है ना, ये क्या है हमारा डिविडेंट है और ये क्या है हमारा डिवीज़र है, तो g ऑफ x क्या दिया हुआ है हमारा x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा क्या है डिवीजर, इससे हमारे को डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करके लेके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब अगर x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और हमको रिमाइंडर लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि x प्लस 1 के इक्वल में 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है रिमाइंडर लाने के लिए, x प्लस 1 के इक्वल में हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो पुटिंग, जिससे कि हमारा क्या 0 आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 जो है ये फैक्टर है, जब इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलीनोमियल को डिविडेंट को, जब डिवीज़र से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस 1 क्या हुआ, इसका फैक्टर ही तो हुआ, तो x प्लस 1 से हम क्या जब इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन हमारी क्या निकल के आएगी, हमारी निकल के आएगी x की वैल्यू, वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1, रिमाइंडर थ्योरम में आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस 1, अब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी ऑफ एक्स, जो पी ऑफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मतलब g ऑफ x, g ऑफ x x प्लस 1 रिमाइंडर इज गिवन बाय, अब हम निकालेंगे रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ माइनस 1,
ठीक है, हम क्या रखेंगे वैल्यूज, माइनस वन रखेंगे। ये देखिए x की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस वन, तो p ऑफ माइनस वन, देखिए यहाँ पर p ऑफ x, x में क्या रख दिया हमने माइनस वन, तो क्या निकलेगा हमारा देखते हैं हम, तो p ऑफ माइनस वन, ये देखिए इस वाली वैल्यू में पुट कर रहा हूँ मैं, ये जो p ऑफ x दिया हुआ ना यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, x की जगह हम माइनस वन पुट करेंगे, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन का क्यूब प्लस, देखिए यहाँ पर थ्री है, फिर माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस थ्री माइनस वन प्लस, और यहाँ पर क्या है वन है, ठीक है। माइनस वन का क्यूब क्या होगा हमारा, माइनस वन होगा प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव वन होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन ओनली। प्लस थ्री इंटू माइनस वन क्या होगा हमारा, बताइए थ्री इंटू माइनस वन क्या होगा हमारा, थ्री इंटू माइनस वन, देखिए यहाँ पर थ्री इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस का थ्री और माइनस का थ्री, यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस होगा माइनस का थ्री, प्लस यहाँ पर क्या आएगा हमारा वन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस का थ्री इंटू होगा वन से, तो प्लस का थ्री आएगा एंड माइनस थ्री एंड प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस थ्री से माइनस थ्री हमारा रिड्यूस हो सकता है और माइनस वन से हमारा प्लस वन रिड्यूस हो सकता है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना, इस टाइप से आप निकालोगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आया है वो क्या आया हमारा, जीरो। तो हम कह सकते हैं क्या आया हमारा रिमाइंडर, जीरो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे डिवीज़न वाला। कौन सा मेथड, डिवीज़न वाला, समझना बहुत ज़रूरी है डिवीज़न मेथड को भी ध्यान से, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेते हैं, पेन में डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ आपकी। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी बातें होती हैं, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करना है एक तरह से एक्स प्लस वन से, ठीक है। सिंपल सा है, डिवाइड करना है अपने को। तो डिवीज़न के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, कौन सी बातें हैं वो जो याद रखने की है, देखिए सबसे पहले तो सिक्वेंस और ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जो डिविडेंट होता है उसका सिक्वेंस और ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, अब सिक्वेंस और ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यही है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है अपने को। अब यहाँ पर देखिए ये डिविडेंट डिवाइड कर रहे हैं अपन, इसको किससे, x प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x प्लस वन। अब देखिए डिविडेंट का ऑर्डर और सीक्वेंस की बात हो रही है, क्या होता है ऑर्डर और सीक्वेंस, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्म्स हैं वो आपकी इस ऑर्डर और सीक्वेंस में होनी चाहिए, कि पावर आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वाली पावर जो फर्स्ट टर्म की पावर आपकी ग्रेटर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में कम, फिर उसके बाद में कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस देखो, थ्री है, थ्री के बाद में पावर कौन सी आ रही है, टू वाली आ रही है, टू के बाद में पावर एक्स की पावर वन वाली आ रही है, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये सिक्वेंस बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल इसी पॉलिनोमल को अगर ये सिक्वेंस आपका ऐसे करके देता, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वन, इस टाइप से देता, तो देखिए ये सिक्वेंस गलत है। सिक्वेंस गलत क्यों है, देखिए पहले एक्स की पावर टू आ रहा है, फिर x की पावर 1 आ रहा है, फिर x की पावर 3 आ रहा है, ये गलत है। आपको सबसे पहले क्या रखना है, सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होगी उसको पहले रखना है, तो x की पावर 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद में कम वाली मतलब 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद कम वाली और 3x, एंड फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म 1। बात समझ में आ रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्वेंस, ठीक है। तो आपको सिक्वेंस को ध्यान में रखना है डिवीज़न करते टाइम। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ पर डिवीज़र x प्लस वन है, बिल्कुल इसका भी सीक्वेंस सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना होगा आपको, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, डिविडेंट की जो फर्स्ट टर्म है, डिविडेंट की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है डिवीज़र की फर्स्ट टर्म से, डिवीज़र की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, क्लियर है बात। इससे जब हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर थ्री है यहाँ पर, और एक एक्स अगर हमारा रिड्यूस हो गया तो एक्स की पावर टू बचेगा, एक्स की पावर टू बचा, इसको हम क्वेश्चन में नोट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, तो एक्स की पावर टू आ गया। अब एक्स की पावर टू को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स प्लस वन से, ठीक है, कौन, डिवीज़र से। अब देखिए एक्स की पावर टू को एक्स प्लस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की पावर टू को इंटू करेंगे एक्स से, एक्स क्यूब आएगा, और एक्स की पावर टू को प्लस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं, एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये रिड्यूस हो सकता है हमारा, कोई परेशानी है, ठीक है। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये दोनों हमारे रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों प्लस के हैं,
हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइन चेंज करना होगा। साइन किसके चेंज होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये लास्ट में है, तो इनके हमारे को साइन चेंज करने हैं। तो अब देखो ये वाला जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और ये प्लस में है ये हो जाएगा हमारा माइनस। माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो एक्स क्यूब देखिए, अब ये साइन चेंज होने के बाद में क्या हुआ, ये तो प्लस का था और ये वाला एक्स क्यूब अब माइनस का हो चुका है, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, थ्री एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा हमारा, टू एक्स स्क्वायर आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब टू एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म है वो लिख लो आप, थ्री एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये वाली टर्म हमने यहाँ नोट कर ली है। अब देखो सेकेंड स्टेप, हम फिर सेकेंड प्रोसेस पर आ गए, वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। जैसे कि इसका टू एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स में जो फर्स्ट टर्म है कौन सी, टू एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करना है हमारे को डिविजर के फर्स्ट टर्म से। डिविजर के फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, डिवाइड करेंगे एक्स से, एक्स कटेगा, क्या बचेगा, ओनली टू एक्स बचेगा। इस टू एक्स को आपको नोट करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, और इस टू एक्स को मल्टीप्लाई करना है पूरे डिविजर से, एक्स प्लस वन से। ठीक है, अब देखो 2x को जब इंटू करेंगे x से तो 2x स्क्वायर आएगा, एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो प्लस का 2x आएगा। इस 2x स्क्वायर प्लस 2x को हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना कि टर्म्स के नीचे टर्म्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्म्स के नीचे टर्म्स कहने का मतलब है मेरा, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली ही टर्म आ रही है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर, और वैसे 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 तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे डिवीजन के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप मुश्किल से दो से तीन डिवीजन देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सेट हो जाएगा माइंड में कि इस टाइप से डिवीजन करते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों सॉल्व नहीं हो सकता ना, हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस करेंगे, ये प्लस का है माइनस करेंगे। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये रिड्यूस हो सकता है। अब देखिए प्लस का 3x और माइनस का 2x क्या हो जाएगा, 3x में से 2x लेस होगा तो 1x, 1x मींस x बचेगा, और x अब देखिए ये जो प्लस वन था ये कांस्टेंट हम थी, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते तो x प्लस वन। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, अब थर्ड प्रोसेस पे जा रहे हैं, थर्ड वाले स्टेप, थर्ड वाले स्टेप में क्या करेंगे कि जो x है x को डिवाइड करेंगे किससे, इसके डिविजर के फर्स्ट टर्म से, वही प्रोसेस रिपीट करना है। तो x से x कटा, क्या बचा, 1, इस 1 को हम यहाँ नोट कर लेंगे क्वेश्चन में, और 1 को इंटू करेंगे किससे, पूरे डिविजर से, वही वाला प्रोसेस वापस से रिपीट हो रहा है। तो 1 इंटू एक्स प्लस वन क्या होगा हमारा, x प्लस वन, इस x प्लस वन को हम यहाँ नोट कर लेंगे करेंगे, फिर उसके बाद में हम ये लाइन ड्रॉ कर देते। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं, हमें साइन चेंज करने होंगे, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस हो गया। अब ये दोनों रिड्यूस, और देखिए ये प्लस का वन और माइनस का वन, ये भी रिड्यूस, तो आंसर क्या आया, सब रिड्यूस होकर हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो। ये जीरो जो है वो क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने क्या निकाला था, जीरो रिमाइंडर निकाला था, जो x प्लस वन से हमने जब इसको बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाला तो जीरो आया, और बाय यूजिंग डिवीजन से हमने रिमाइंडर निकाला तो हमारा जीरो आया। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है? तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, डिवीजन से भी निकाल सकते हो, और आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से, दोनों से बात एक ही है, लेकिन आना आपको डिवीजन भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिवीजन आपको ज़रूर आना चाहिए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक तरह से ऐसे करवाया है कि आपको दोनों मेथड आपके क्या हो जाए, कवर आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।